हेलो साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट वन के वैसे विद्यार्थी जो सत्र 2022 से 25 में हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है। अगर परीक्षा फॉर्म आपका सही ढंग से नहीं भरा पाता है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो रेगुलर बोर्ड से है वो विद्यार्थी, या जो 19 से 22 वाले हैं, या 20 से 23, या 21 से 24 सत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो सभी अगर परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग परीक्षा फॉर्म जल्द से जल्द भर लेना है। आप लोग को कब से कब तक आपका परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा, कब से आपका विलम्ब शुल्क लगेगा, और एडमिट कार्ड कब होगी जारी, और पार्ट वन परीक्षा कब होगी, इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में भी दे दिए थे कि 4 अगस्त से जो है पार्ट वन की परीक्षा शुरू हो रही है। जो विद्यार्थी पार्ट वन में फेल हो गए थे, 19 से 22 सेशन वाले हो, चाहे किसी भी सत्र का हो, अगर वो फेल हो गए थे तो उन सभी को क्या करना होगा, फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए और इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च कर लेना है यही बात माधव एनसीईआरटी क्लासेस, और यहाँ से हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप कैसे एडमिट कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड कब होगी जारी, परीक्षा किस तरह से ली जाएगी, परीक्षा का पैटर्न भी बताएंगे। होम पेज पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप होम पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे कोना में आपको सर्च बटन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी सर्च बटन पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखना LNMU देना है आपको, ठीक है, और फिर सर्च मार देना। आपको जो प्रोसेस बताया था इस प्रोसेस को आप लोग फॉलो कीजिएगा, तभी जाके सारा चीज़ हो पाएगा। आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट आएगा पार्ट 3 का, और लिंक डायरेक्ट वाला है, आप वहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर पार्ट 1 के कोई भी विद्यार्थी है तो उन्हें ये बात आप बता सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो 22 से 25 सेशन में देख सकते हैं 4 अगस्त से परीक्षा है, तो इस पर आपको छोटा सा क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के पेज ओपन होता है, तो इसमें हम सबसे पहले चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उस पर चलेंगे, फिर एडमिट कार्ड की बात करेंगे। एडमिट कार्ड जो है आपका ये जारी हो जाएगा 25 अगस्त के बाद और 4 अगस्त से पहले, मतलब कि वही कि आपका 1 सप्ताह पहले, जब भी आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो परीक्षा से मात्र 1 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें कहीं से कोताही भी मतलब गलत नहीं है उतना है। और यहाँ पर देखिए, बिना विलम्ब शुल्क के साथ आप परीक्षा फॉर्म को 1 तारीख से भर सकते हैं, 1 जुलाई से लेकर के 10 तक। विलम्ब शुल्क के साथ आप 11 जुलाई से 15 जुलाई तक भर सकते हैं, और 4/8/2023 से आपका जो परीक्षा है। हालांकि ये तिथि अभी निर्धारित पूरी तरह से नहीं हुई है, क्योंकि जब तक शेड्यूल जारी नहीं होता है, रूटीन जारी नहीं होता है, तब तक इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। यह पूरी जानकारी को हमने आपको बारीक से समझा दिए हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना एक फर्ज बनता है, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी आगे कीजिएगा। और एडमिट कार्ड तो आपको बता ही दिए कब होगा जारी। चलिए डायरेक्ट लिंक पर आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग सारी चीज़ को जानते हैं, और परीक्षा का देखिए पैटर्न आपको समझ लेना जल्दी से, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके जान लेना है, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको यहाँ पे क्लिक करके जान लेना है, और परीक्षा का पैटर्न अगर आपको जानना है तो ऊपर आ जाना है, ठीक है। परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से देखिए, प्रश्न पैटर्न और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कितने पूछा जाएंगे, तो इसी फोटो पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से आ गया है। अब आप इसमें देखेंगे कि किस विषय में प्रैक्टिकल होता है, किस में कितना प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्सिडरी विषय में ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्सिडरी में क्या रहेगा, सारा जानकारी है यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लोग आके जरूर पढ़िएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।